तो हेलो एवरीवन, मैं रॉनिन आ गया हूँ एक और ओपी सोलो रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो गाइज, अभी मेरा रैंक चल रहा है 17 और मुझे अभी भी लगभग 150 पॉइंट चाहिए टॉप 10 के लिए। मैं कोशिश करूँगा एक दो दिन में कंप्लीट हो जाए। तो गाइज, आज की वीडियो में खतरनाक फाइट होने वाला है। मेरे मैच में आता है सोलो लीडरबोर्ड का टॉप प्लेयर। इतना गंदा वाला फाइट होने वाला है ना आज की वीडियो में, भाई बस देखते जाओ। पर गाइज, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं सोलो रैंक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहता हूँ। और गाइज, अगर ये गेम प्ले अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि गाइज वो लोग का भी रैंक पुश में हेल्प हो सके। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह है पहला मैच और इस मैच में मुझे उतरते के साथ स्कारियन मिल जाता है। लकली मेरा इस मैच में ग्लिच नहीं होता है और फिलहाल मेरे सामने अभी एक बंदा है। इस मैच में मैं जानबूझ के सेंटर बिल्डिंग पे उतरता हूँ किल निकालने के लिए। अब मेरे नीचे कोई नहीं रहता है, इसलिए मैं नीचे से अपना लूट कंप्लीट करके जाता हूँ ऊपर वाले बंदे से फाइट लेने के लिए। मेरे सामने अभी एक बंदा टीपीपी ले रहा होता है, इसलिए मैं नेट को करके सामने फेंक देता हूँ और जैसे ही नेट फटता है मैं उसके ऊपर पुश कर देता हूँ। मैं जैसे ही इस बंदे को मारता हूँ मुझे बाहर की तरफ से एक गाड़ी का साउंड आता है, इसलिए मैं तेजी से हील करके जाता हूँ उस बंदे से फाइट लेने के लिए। गाड़ी वाला बंदा तो निकल जाता है, पर लकली मुझे सामने एक दूसरा बंदा दिख जाता है। अब मेरा 4 किल हो चुका है और भाई मेरे आसपास कोई भी दूसरा बंदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से अपना लूट कंप्लीट करके निकल जाता हूँ। वहाँ से निकलकर मैं आता हूँ गटका के पास और अभी मैं जा रहा था सामने गाड़ी उठाने के लिए, पर गाइस देखना अभी क्या होने वाला है। देखा भाई, वो तो अच्छा हुआ मुझे सही टाइम पे गाड़ी का साउंड आ जाता है, इसलिए मैं उसे मार देता हूँ। ये तो कुछ नहीं, अभी देखना मैं उसका पेट ही लूटने जाऊँगा फिर क्या होने वाला है। मैं स्मोक करके अभी इस बंदे का पेटी लूट ही रहा था कि तभी एक और बंदा मेरे ऊपर पुश कर देता है। चलो भाई, बिल्कुल इजी किल, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आप लोग सोलो में कुछ भी कर रहे हो ना तो एक स्मोक कर लिया करो। अभी मेरा 6 किल हो चुका था, इसलिए मैं सोचता हूँ अब थोड़ा सेफ खेलूंगा, इसलिए मैं जाकर सीधा जोन का सेंटर होल्ड कर लेता हूँ। पर गाइस तभी एक और बंदा रिकॉल होकर सीधा मेरे बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है। फिलहाल वो ग्राउंड फ्लोर पे है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। मुझे लग रहा था ये रिकॉल वाला बंदा है, पर गाइस मैं गलत रहता हूँ, इसके पास काफ़ी अच्छा लूट था। अगला जोन हार्ड शिफ्ट ले लेता है यासनाया की तरफ, इसलिए मैं जा रहा हूँ सामने वाला कंपाउंड होल्ड करने के लिए। पहले मैं सोचता हूँ जाकर सेंटर वाला कंपाउंड होल्ड करूँगा, पर गाइस वहाँ पर पहले से बंदे रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई नहीं होगा, पर गाइस मैं गलत रहता हूँ। वो तो अच्छा हुआ ये बंदा सही टाइम पे मूवमेंट देता है, इसलिए मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ, नहीं तो अभी मेरा खतरनाक पेटी बनता। जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरे सामने एक और बंदा आकर टीपीपी लेने लगा है। मुझे उस बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता रहता है, इसलिए मैं सामने की तरफ एक नेट को करके फेंक देता हूँ। पर गाइस देखो तभी क्या होता है। देखा भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये बंदा वहीं पर टीपीपी ले रहा होगा। फिर से अगला जोन मेरे से काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए मैं जाता हूँ जोन के एज वाले कंपाउंड पे होल्ड करने के लिए। और भाई अभी यहाँ पर कितना खतरनाक भसड़ मचने वाला है ना, बस देखते जाओ। बैक टू बैक 3 बंदे मेरे ऊपर पुश करने वाले हैं, तो भाई अभी देखना कितना खतरनाक फाइट होगा। फिलहाल एक बंदा मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर है और एक बंदा मेरे बिल्डिंग के जस्ट बगल में है। मुझे पता रहता है बाहर वाला बंदा मेरे ऊपर पुश करने का कोशिश करेगा, अगर मैं उसे मार भी देता हूँ ना तो ऊपर वाला बंदा थर्ड पार्टी करने तो पक्का आएगा, इसलिए मैं स्मोक करके बाहर निकल जाता हूँ। ये गया पहला बंदा, इसके पास शॉटगन रहता है और जैसे ही मैं इसे मारता हूँ दूसरा बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए आता है। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है जो बिल्डिंग के ऊपर है, वो मेरे मॉली से बचने के लिए जाकर पैनिक रूम में बैठ जाता है, इसलिए मैं एक नेट को करने लगता हूँ। इतना गंदा वाला बचने के बाद अभी देखना मैं कितना खतरनाक गलती करता हूँ। मैं आराम से इस बंदे का पेटी लूटने लगता हूँ और भाई मुझे जोन का कोई आइडिया नहीं रहता है, और तभी मुझे बगल से एक और बंदे का साउंड आने लगता है। इस बंदे को तो मैं इजिली मार देता हूँ, पर देखना अब मेरे साथ क्या होगा।
देखा भाई मुझे किसने मारा। भाई ये वही प्लेयर है जो सोलो लीडरबोर्ड के टॉप पे है। खैर गाइस फिर भी मेरा इस मैच में 13 किल हो चुका था तो मुझे काफ़ी अच्छा प्लस मिल जाता है। चलो भाई अब चलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ। यह है मैच नंबर 2 और इस मैच में मेरा खतरनाक ग्लिच होता है, इसलिए मैं इवेंट से सिर्फ रिकॉल कार्ड लेकर निकल जाता हूँ। अभी मैं अपना लूट कंप्लीट कर ही रहा था कि मुझे इस कंपाउंड पे एक बग्गी लगा हुआ मिलता है। मैं समझ जाता हूँ कोई बंदा कैंप करके बैठा हुआ है, इसलिए मैं उसके ऊपर पुश कर देता हूँ। पता नहीं इस बंदे को मेरे पिन खींचने का आवाज़ आया था या नहीं, पर गाइस जो भी हो मुझे एक किल इजीली मिल जाता है। वहाँ से निकलकर मैं जा रहा था ड्रॉप लूटने के लिए, पर गाइस ड्रॉप पे पहले से दूसरा बंदा पहुँच जाता है, इसलिए मैं इसी कंपाउंड पे रुक जाता हूँ। और तभी एक बंदा बाइक से मेरे ऊपर पुश कर देता है। चलो भाई बिल्कुल ईजी किल। फिलहाल मैं जोन में रोटेशन दे ही रहा था कि तभी मुझे सामने वाले बिल्डिंग के नीचे एक बग्गी लगा हुआ मिलता है। मैं बिल्डिंग के पास एक बार गाड़ी घुमाकर चेक कर लेता हूँ, पर मुझे किसी भी बंदे का फुटस्टेप नहीं आता है, तो मैं समझ जाता हूँ वो खतरनाक कैंप कर रहा है कहीं पे। और गाइस देखना वो बंदा कहाँ निकलता है। देखा भाई कितना खतरनाक कैंपर था। अगर मैं बिल्डिंग के पास गाड़ी रोककर उतरता ना और बाहर खड़े होकर टीपीपी लेने की कोशिश करता तो ये बंदा मुझे खतरनाक मारता। उस बंदे का पेटी लूटकर मैं तेज़ी से जोन की तरफ निकलता हूँ और गाइस तभी मुझे सामने की तरफ एक और बंदा दिखता है। मैं बिल्कुल ओपन में रहता हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से इस बंदे को मारकर बिना हिल करे ही गाड़ी उठाकर यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर मैं वहीं पे स्मोक करके हिल करने की कोशिश करता तो भाई कोई भी बंदा मेरे ऊपर रैंडम फायरिंग करता और जिस तरह से मेरा हेल्थ डाउन था सिर्फ एक दो गोली में मेरा पेटी बन जाता। इसलिए गाइस सेफ ऑप्शन यही था कि गाड़ी उठाओ और यहाँ से निकलो। मैं अपना हील कंप्लीट करके फिर से निकलता हूँ जोन के एज पर और तभी मुझे सामने की तरफ एक और बंदा दिखता है, इसलिए मैं बग्गी को जोन के बाहर ही रोककर उस बंदे के ऊपर नेड करने लगता हूँ। इसलिए गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ अगर जोन ओपन में शिफ्ट हो रहा है तो हमेशा जोन के साथ ही आगे बढ़ो, अगर इस तरह पहले से जाकर होल्ड करोगे तो यही होगा आपके साथ। फिलहाल मैं जोन के एज पर भी हूँ और मेरे पास काफ़ी अच्छा कवर रहता है, इसलिए मैं यहीं पर होल्ड कर लेता हूँ। पर गाइस तभी मुझे मेरे राइट साइड में एक और बंदा दिखता है। चलो भाई बिल्कुल ईजी किल। अगला जोन मेरे से 170 मीटर आगे शिफ्ट हो चुका है, इसलिए मैं वेट करते रहता हूँ जोन के श्रिंक होने का। जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं बग्गी उठाकर फिर से निकलता हूँ जोन के एज पर और भाई देखना अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। देखा भाई मुझे आगे पीछे सब तरफ से पड़ने लगा था, मैं बिल्कुल गलत फंस गया था यहाँ पे। खैर गाइस फिर भी मुझे इस मैच में भी ठीक ठाक प्लस मिल जाता है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि गाइस वो लोग का भी रैंक पुश में हेल्प हो सके। तो चलो गाइस मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।